हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज ये है सेकंड बिट एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड बिट। क्या दिया यहाँ पे, एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 6। ये आपका सेकंड बिट है। अब इसके लिए हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2 हमारा क्वेश्चन है। उसी तरह इसको भी ले लेंगे एक्स माइनस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 6। ये दो हमारे पास क्वेश्चंस गिवेन है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम दोबारा से सेपरेट करेंगे, एक्स बाई एक्स वाई सेपरेट करेंगे यहाँ से। उसी तरह प्लस वाई बाई एक्स वाई सेपरेट करेंगे, इज इक्वल टू 2 एज इट इज लिखेंगे। यहाँ से भी एक्स बाई एक्स वाई करेंगे सेपरेट, माइनस वाई बाई एक्स वाई सेपरेट करेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 6। देखिए वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई और वाई कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, 1/y बच गया, यहाँ से 1/x बचा इज इक्वल टू 2, यहाँ से भी 1/y बचा, यहाँ से 1/x बच गया इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, लेट 1/y को सपोज a दे देंगे, 1/x को सपोज b सपोज करेंगे। ये दोनों हम सपोज लेट कर रहे हैं। अब 1/y की प्लेस में हम a सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1/x की प्लेस में b सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। उसी तरह 1/y को a कर देंगे, 1/x को b लिखेंगे, इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस, ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे। पहले वाला इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 2, सेकेंड वाला इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 6। इसको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 2a, ये हो जाएगा 8। a इज इक्वल टू 8/2, 2 1 2 4 देर फोर ए इज इक्वल टू हमारा आंसर हो गया 4। इसको हम सब्सटीट्यूटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे। क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, एक ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, ए की प्लस में हम क्या रखेंगे 4, प्लस बी इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2 इस तरफ ले लीजिए माइनस 4, बी इज इक्वल टू हो गया जाएगा माइनस 2, ये माइनस 2 हो गया। अब हम यहाँ पर लेट सपोज कर रहे थे, ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया, बी इज इक्वल टू आ गया माइनस 2। सपोज कर रहे थे हम लोग 1/y को सपोज ए दे दिए थे, 1/x को b दे दिए थे हम। अब 1/y इज इक्वल टू ए का आंसर आ गया 4, यहाँ पर 1 डालेंगे, y इंटू 4 4y इज इक्वल टू 1 1 1, y इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। उसी तरह 1/x इज इक्वल टू b का आंसर आ गया हमारे पास माइनस 2, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 1 1 1, x इज इक्वल टू 1/-2। देर फोर यहाँ पर लिख सकते हैं आप x इज इक्वल टू 1/4 और y इज इक्वल टू -1/2, ये आपका आंसर। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।